नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ साड़ी का होलसेल बिजनेस करके रोज़ का 1000 रुपया कैसे कमा सकते हैं, यानी 30,000 रुपया महीना। बिजनेस में तो क्या होता है कि कोई फिक्स कमाई नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज़ होता है कि आप कभी 1000 रुपये भी कमा सकते हैं, कभी ज़्यादा भी, कभी कम भी कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख रखा है अपना, आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको साड़ी का बिजनेस का नॉलेज नहीं है या फिर जानकारी नहीं है, तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई दुकान से आइडिया लेना होगा। जैसे कि आप कुछ दिन, आपका अगर कोई जानने वाला उस बिजनेस को कर रहा है, वहाँ जाके 2-4 दिन आप उस साड़ी का बिजनेस का आइडिया ले लेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा होता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के से पहले आपको क्या करना होता है, जैसे कि होलसेल मार्केट होता है, होलसेल मार्केट में जाके आपको देखना होता है कि ये वाला साड़ी कितने का बिक रहा है वहाँ। फिर ऐसे भी क्या होता है कि उन लोग बता देते हैं, भाई देख हमारा यहाँ इस रेट का लेके जाएगा तो इस रेट में जाके आराम से बेच सकते हैं। उस हिसाब से भी अपना इस बिजनेस को किया जा सकता है, क्योंकि शुरू शुरू में ज़्यादातर आइडिया नहीं होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ होता है कि कहीं आप बड़े दुकान में जाएंगे, उनको पता होता है कि ये ले जाकर बेचेंगे, तो आपको उन लोग भी थोड़ा बहुत बता देता है, जैसे कि मैं यहाँ आपको 250 रुपये का दे रहा हूँ या फिर 400 रुपये का दे रहा हूँ, वही साड़ी को आपको 500 का बेचना है कि 400 का बेचना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 400 का ख़रीदा, उसको 600 में बेचना है कि 700 में बेचना है, उस हिसाब से उन लोग अपना आइडिया बता देते हैं। इस हिसाब से आपको बेच के अपना बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, साड़ी का होलसेल बिजनेस को। साड़ी का बिजनेस करने के लिए बहुत सारा जगह होता है, जैसे कि आप फुटपाथ भी कर सकते हैं, दुकान में भी कर सकते हैं, जैसे जैसे अपना हिसाब से होता है उस हिसाब से करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह होता है।